और बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आएगी, जमीन इन किसानों की फिर ओने पौने दाम में इन किसानों की जमीन लेके और यहां पे कंपनियां राज करेगी, इनकी फसलें नहीं बिकती। पढ़ा लिखा लोग यहां से शिफ्ट हो गए, वे बिहार में आना नहीं चाहते। बहुत आईएएस अधिकारी, बहुत पीसीएस अधिकारी, बहुत बैंकों में बड़े बड़े ओहदे पे, पूरी प्रेस मीडिया पे आज बिहार के लोगों का कब्जा है। दिल्ली में पूरी मीडिया पे बिहार के लोगों का कब्जा है। क्या बिहार के लोग जो प्रेस में है कलम छोड़ के और कमल का तरफ चले गए? क्या उनकी विचारधारा चेंज होगी? क्या आप बिहार के लिए लिख नहीं सकते? लिखना चाहिए उनको। यहां पे आंदोलन की शुरुआत अभी आपकी नहीं हुई, ये यहां के अधिकारी भी सुन ले और यहां के किसान भी सुन ले। आंदोलन की शुरुआत आपकी जब होगी, जब आप अपनी फसलें आप या तो मंडी में बिकेंगे या कलेक्ट्रेट के वहां पर डीएम के यहां पर आपकी फसलें बिकेगी। यहां के प्रशासन अधिकारी की हिम्मत कि किसान को वो इसलिए रोक दे बक्सर में जाने के कि उसको परमिशन नहीं दी। किसान कोई परमिशन नहीं लेगा, जब भी आपकी फसल आएगी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल को कहीं पे भी बेचो। आपके आंदोलन की शुरुआत उस दिन होगी जिस दिन इस देश का किसान कलेक्ट्रेट पे अपनी फसल को बेचने की शुरुआत करेगा। क्यों नहीं बिकेगी फसलें? यहां का कलेक्टर परमिशन देगा कि किसान किस दिन अपने ट्रैक्टर को लेके बाजार में आएगा? 26 जनवरी को आपको जाना था, पता चला कि कलेक्टर ने परमिशन नहीं दी, आप गए नहीं। आपको कोई परमिशन नहीं देने का पंचायत करने की, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। आपके आंदोलन की शुरुआत उस दिन होगी अगर ये यहां के जो प्लांट के लोग हैं, यहां के अधिकारी हैं, आपका समझौता नहीं होगा, हमको अपनी जमीन पे कब्जा करना पड़ेगा, हमको अपनी जमीन नहीं देनी है तो जुताई करनी पड़ेगी, अपनी फसल बोनी पड़ेगी, लेकिन हम बातचीत से समझौता चाहते हैं। क्योंकि बिहार में 6 महीने का टाइम और लगेगा, हम 6 महीने बिहार में शांतिपूर्ण आंदोलन करके आंदोलन को खड़ा करेंगे। बिहार के अंदर पहली लड़ाई मंडी बहाली की आंदोलन की लड़ाई होगी। यहां की सरकार अपना प्रोग्राम बना ले कि वो शांति से बहाली चाहते हैं या क्रांति से चाहते हैं। हमको मंडियां चाहिए। जो मंडी सी सरकार ने बंद करी वह मंडी, मंडी मुक्ति अभियान प्रदेश में चलेगा। हम हर जिले में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, या तो यहाँ के किसान की फसल यहाँ की मंडी जो बाजार समिति है उसमें बिकेगी, या अधिकारी और डीएम के यहाँ पे बिकेगी। भूमि अधिग्रहण का बड़ा इशू है, जो हाईवेज निकल रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उसके लिए जमीन चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपति आपके यहां पे आ रहे हैं जमीन लेने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पे लगेगी, उसके लिए सस्ती लेबर चाहिए, तो सस्ती लेबर भी बिहार में है और सस्ती जमीन भी अधिकारी बिहार में देना चाहते हैं। उसका भी एक बड़ा आंदोलन यहां पर चलेगा। यहां के ट्रैक्टर को कॉमर्शियल करा जा रहा, कोई किसान का ट्रैक्टर कॉमर्शियल नहीं होगा, किसी ट्रैक्टर का चलान नहीं कटेगा। यह अधिकारी ध्यान से सुन ले, कान खोल कर सुन ले, कोई भी विभाग अगर ट्रैक्टर का किसान का चलान काटेगा उसी विभाग को उसका हर्जाना देना पड़ेगा। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिहार के किसान मजदूर आदिवासी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहाँ के आदिवासी जो पहाड़ों में जंगलों में रहते हैं,
जैसे दूसरे प्रदेश के आदिवासियों को आजादी है, वहां आम, मोहा, इमली और जो जड़ी बूटी वहां पे पैदा होती है उसको चुनने का, उसको बाजार में बेचने का अधिकार उन पे है, लेकिन बिहार में नहीं है। क्या बिहार कोई दूसरे इस देश से अलग है? लगता है ये झारखंड है। नेतरहाट हम गए, वहां पे आदिवासियों की बड़े आंदोलन वहां पे हुए, उसमें हम गए, आदिवासी वनों का सबसे ज्यादा, जंगलों का, पर्यावरण का सबसे ज्यादा रक्षक है, उनकी आवाज कौन उठाएगा? उनकी आवाज भी ये संगठन उठाएगा, ये संगठन उठाएगा, इस नौजवान की आवाज भी ये मोर्चा उठाएगा। देश में किसान संयुक्त मोर्चा बन चुका है। सरकारें कोई भी हो, गलत फहमी मत रहना, हम दिल्ली में लड़ाई लड़ेंगे तो दूसरी सरकार है, हम स्टेट टू में जाएंगे तो अलग अलग पार्टियों की सरकार है, लेकिन सबकी पॉलिसी एक है। ये एक ही यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं, ये देश को लूटना चाहते हैं। लेकिन बिहार में क्या है कि बिहार में हर आदमी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। यहां पे भी जितने लोग हैं पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। कुछ लोग यहां पे इसलिए नहीं आएंगे कि ये तो जिनकी सरकार है उनके खिलाफ बोल लेंगे, हम क्यों जाएं? बीजेपी वाले इसलिए नहीं आएंगे कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस वाले इसलिए नहीं आएंगे कि हम छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं। तो यहां पे जो भी आए ये प्योर है बिल्कुल, घबराने की जरूरत नहीं। हम 5 आदमी के भी लड़ाकू हैं और हम 5 लाख के भी लड़ाकू हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये नॉन पॉलिटिकल संगठन बिहार में खड़ा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है, बिहार के अंदर खड़ा होगा और आपके साथ में पूरा देश खड़ा होगा। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, और जो अखाड़े में ही नहीं जाएगा और घर वालों का भी नुकसान करता रहेगा कि मैं पहलवान हूं, अखाड़े में कभी गया नहीं, तो आ रहेगा। लड़ाई लड़ी जाएगी, प्रशासन को टाइम है, वो बातचीत कर ले, इसका समाधान करे। समाधान नहीं करता, हम फिर आएंगे, जब फसल की बुआई होगी आएंगे, जुताई होगी यहां पे, और ये आंदोलन लंबा चलेगा। अभी बिहार में पूरा आंदोलन खड़ा करने में, अपनी बात कहने में, सरकारों से बातचीत करने में टाइम लगेगा। अभी तो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, अभी बाहर जाते हैं तो कहते हैं जी बीजेपी वाले लोग थे, यहां के आपके खिलाफ भी लिखा है कि वहां पे उस मूवमेंट को जो चलवा रहे हैं बीजेपी के लोग हैं, आप वहां पर मत जाओ। जब छत्तीसगढ़ में जाते हैं कह रहे जिसे मूवमेंट को बीजेपी के चलाते हैं, जब वहां पे भारत सरकार के खिलाफ होता है तो उसे कहते हैं जिसे कांग्रेस और दूसरे लोग इसको चला रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि ये आंदोलन किसानों का है, आदिवासियों का है, नौजवान का है। जब किसी को वोट देनी होगी तो जहां उसकी मर्जी करे वहां पे वोट दे लो, लेकिन आंदोलन में साथ रहो। नुकसान अगर होगा तो सबका होगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर अगर टूटेगा तो सभी का टूटेगा, वो छूटेगा किसी का नहीं कि ये सत्तारूढ़ का है या दूसरे का है। पंपिंग सेट, जो भी डीजल से चलने वाले वाहन है उनकी मियाद 10 साल है, पेट्रोल वालों की 15 साल है। बहुत से कानून आ रहे, सीट बिल आएगा, अभी 20 विधेयक, 20 का कानून। बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो 20 के क्षेत्र में आ रही है। एक बड़ी बहस चल रही है कि 20 पे अधिकार किसका होगा, उसमें नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, जो 20 पुलिस बनेगी,
कंपनी वाले किसानों के ऊपर मुकदमे करते ही रहेंगे कि इसने मेरा बीज चुरा के बोया, उसमें जुर्माना और सजा दोनों है, तो किसान को तो जेल में रहना ही है। बिजली अमेंडमेंट बिल देश में पेश हो गया, मीटर लगेंगे, महंगी बिजली मिलेगी, बिजली प्राइवेट होगी, कंपनियों के पास में जाएगी, किसान की देने की हैसियत नहीं रहेगी। दूध की पॉलिसी आ रही है, 22 रुपए लीटर तक वे हर गांव में दूध बेचने का काम करेंगे। इस तरह की बाहर की विदेशी कंपनी आ रही है, तो क्या गांव में अगर बाहर का 22 रुपए लीटर दूध बिकेगा तो हमारे गांव में जो भैंस है, जो हमारी गायें हैं, जिसको हमको 30 और 35 रुपए हमारे घर पे पड़ता है, अगर 20 रुपए कोल्ड ड्रिंक की तरह वो दूध बिकेगा तो ये पशु रुकेंगे। बहुत पॉलिसी एक साथ भारत सरकार लेकर आ रही है। भारत सरकार ने कहा कि 2047 तक भारत को विश्व गुरु बना देंगे, बन जाएगा। किसान की कर्जे में पूरी जमीन जाएगी, बहुत स्पीड से जमीन किसान की जा रही है। जब देश आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा उस टाइम तक 60-70% किसान की जमीन बड़े उद्योगपति, व्यापारी, नेता, अधिकारी उनके पास में जमीन चली जाएगी। ये 25 साल का टारगेट उन्होंने दिया है।